Namaskar. I welcome Member Health Niti Aayog, Health Secretary, DG ICMR, Principal Scientific Advisor, and Joint Secretary from the Ministry of Health. So first we will have presentation from Health Secretary, sir. Namaskar. स्वास्थ्य मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये इस वर्ष 2020 की अंतिम साप्ताहिक वार्ता आपके साथ है और हम आशा करते हैं कि नए वर्ष में हमें अच्छी समाचार मिलेंगे, न केवल इन्फेक्शन को नियंत्रण करने के विषय में बल्कि इन्फेक्शन से निजात पाने के संबंध में भी। तो इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि जो एक्टिव केसेस हैं देश में वो 6 महीने के बाद 270,000 से कम हो गए हैं और लगातार घट रहे हैं। देश में जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 6% हो गया है और यदि पिछले सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो केवल 2.25% है। लास्ट वीक्स पॉजिटिविटी रेट इन द कंट्री इज़ ओनली 2.25%। एक और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुई है कि इंसा कॉग नाम की एक कंसोर्शियम की स्थापना की गई है। इसमें देश के 10 गवर्नमेंट लैब्स हैं, ये CSIR के लैब हैं, DBT के लैब हैं, ICMR के लैब हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के लैब हैं। ये पहले से भी पिछले 11 महीने में देश में जो सार्स कोवी वायरस फैला हुआ है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया करते थे और 11 महीने में लगभग 5,000 के करीब जीनोम सीक्वेंस किए गए थे और उन जीनोम सीक्वेंसेस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि देश के भीतर जहाँ वायरस ड्रिफ्ट के मामले हैं, वायरस शिफ्ट के मामले नहीं हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब ये UK से वेरिएंट वायरस की खबर आई तो फिर ये माना गया कि एक बड़ा कंसोर्शियम बनाया जाए और सब लोग मिलकर काम करें और बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसके बारे में जो अन्य आज विशेषज्ञ मौजूद हैं वो आपसे बात करेंगे। सो एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंसा कॉग which is a consortium of 10 government labs across the country to do genome sequencing of the SARS virus as well as any variant of that virus. These labs belong to ICMR, DBT, CSIR and Ministry of Health and Family Welfare. Prior to the news of the UK variant came in our country we had done roughly 5,000 such genome sequences across these labs. Now we will be significantly increasing that number and would be working in a coordinated manner in the shape of a consortium. Ab infection ki sthiti desh mein. Jo daily new cases hain, wo desh mein 17,000 se bhi kam ho gaye hain 6 mahine ke baad. To hum aapko dikha rahe hain ki 25 June ko 16,922 मामले थे देश में और अब 16,432 मामले रिपोर्ट किए गए। तो जो प्रतिदिन मामले रिपोर्ट किए जाते हैं उनके ग्राफ में निरंतर डिक्लाइन या डिक्रीज देखा जा रहा है और ये डिक्रीज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ बड़े देश दुनिया में जैसे USA, UK, रशिया और अन्य यूरोपीय देश अभी भी डिक्लाइन के बनिस्पत एक इंक्रीज देख रहे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर कोविड से होने वाली मृत्यु के ग्राफ को देखें तो यहाँ भी जो प्रतिदिन मृत्यु रिपोर्ट होती थी वो 6 महीने के बाद 300 के स्तर पर आई हैं। हमने आपको 17 जून से लेकर 29 दिसंबर तक की स्थिति इस ग्राफ में दिखाई है कोविड से होने वाली मृत्यु की, तो इसमें भी एक बहुत ही स्पष्ट डिक्लाइन का ट्रेंड देखा जा सकता है। अगर हम
आयु और जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर और आयु के आधार पर अभी तक जो देश में कोविड के मामले हुए उनका विश्लेषण करें, केस एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड जेंडर, तो हम ये पाएंगे कि 63% मामले कोविड के मेल लोगों में हुए, पुरुषों में हुए, और 37% मामले फीमेल या स्त्रियों में हुए। आयु में देखें तो 17 बरस से कम आयु के लोगों में 8% मामले, 18 से 25 में 13%, 26 से 44 वर्ष की आयु में 39%, 45 से 60 वर्ष की आयु में 26% और 60 वर्ष से ऊपर की आयु में 14% मामले कोविड के देश में अभी तक हुए हैं। अगर हम 18 से 25 और 26 से 44 इस एज ग्रुप को एक साथ देखें, क्योंकि ये वो यंग एज ग्रुप है जो मोबाइल है, जो काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकलता है प्रतिदिन, तो 52% मामले 18 से 44 वर्ष के लोगों में हुए। लेकिन मृत्यु की स्थिति इससे कुछ भिन्न है। अब हम आपको वो विश्लेषण दिखाना चाहेंगे। अगर हम लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर मोर्टैलिटी एनालिसिस के आंकड़ों को देखें तो पुरुषों में 70 कुल मृत्यु जो कोविड से हुई उसकी 70% पुरुषों में और 30% महिलाओं में। यहाँ जो 17 वर्ष से कम के लोग हैं उनमें 1%, 18 से 25 वर्ष में 1%, 26 से 44 में 10%, 45 से 60 में 33% और 60 से अधिक में 55%। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ ये जो 18 से 44 वर्ष का जो ग्रुप है, 52% केस वहाँ हुए जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन मृत्यु वहाँ केवल 11% हुई। यानी इन लोगों की क्षमता बीमारी से लड़ने की और रिकवर करने की भिन्न स्तर पर है। और जो ज़्यादा आयु के लोग हैं, क्योंकि वो कोमॉर्बिड भी हैं और अन्य समस्याओं से भी ग्रस्त हैं, इसलिए उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता अलग स्तर पर है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, जो हम लगातार कहते रहे हैं राज्यों को भी, संघ शासित क्षेत्रों को भी, आपके माध्यम से सामान्य जनता को भी, कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको ज़्यादा सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। विश्व की तुलना में हम कहाँ हैं? अगर हम केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी हम विश्व में सबसे कम केस पर मिलियन वाले देशों में से हैं। हमारे यहाँ 7,408 केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं। रशिया में ये 21,000 से ज़्यादा हैं, यूनाइटेड किंगडम में 33,000 हैं, इटली में भी 33,000 से ज़्यादा हैं, ब्राज़ील में 35,000 हैं, फ्रांस में 38,500 से ज़्यादा हैं और यूएसए में 56,000 से भी ज़्यादा हैं। तो केस पर मिलियन की स्थिति ये है। अब डेथ पर मिलियन अगर आप देखें तो भारत में ये 107 डेथ प्रति मिलियन हैं, रशिया में 378, ब्राज़ील में 897, फ्रांस में 955, यूएसए में 994, यूके में 1042 और इटली में 1100 से अधिक। अगर एक्टिव केसेस को देखें, यानी वो केस जो या तो अस्पतालों में हैं या अपने घरों में आइसोलेशन में हैं लेकिन मेडिकल केयर या मेडिकल मॉनिटरिंग के अधीन हैं, उनको हम एक्टिव केस मानते हैं, तो भारत में एक्टिव केसेस प्रति मिलियन हैं 194, तुर्की में ये 1241 हैं, ब्राज़ील में 3400 हैं, रशिया में 3700, जर्मनी में 4500, इटली में 9500 और यूएसए में 23300 से अधिक। पिछले 7 दिन में विश्व में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ? भारत में जो नए केसेस प्रति मिलियन पिछले 7 दिनों में देखें, इन द लास्ट 1 वीक इंडिया हैज़ 110 केसेस, न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, ब्राज़ील हैज़ 1100, फ्रांस हैज़ 1300, रशिया 1300, इटली 1500, यूके 3600, यूके इज़ अ न्यू एंट्रेंट इन द फर्स्ट 3 इंसिडेंटली, In the last 24 hours, they reported 40,000 new cases, which is a cause for serious concern for other countries also. USA
has 3,964. पिछले 7 दिनों में कोविड से होने वाली मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन, ये हिंदुस्तान में 2, ब्राज़ील में 21, रशिया में 27, फ्रांस में 33, यूएसए 47, यूके 49, इटली 52. तो इन परिस्थितियों में हमारे देश में जो भी केस हैं, जो एक्टिव केस हैं, आखिर अब कहाँ केंद्रित रह गए हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते थे. तो 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां अब 60% मामले हैं कोविड के हमारे देश में. सबसे अधिक ऑलमोस्ट 24% मामले केरल में हैं, 21% से कुछ अधिक मामले महाराष्ट्र में, 5% से अधिक पश्चिम बंगाल में, लगभग 5% 4.90 उत्तर प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में 4.83. जो बाकी राज्य और यूटीज़ हैं, दे टुगेदर अकाउंट फॉर द रेस्ट ऑफ द केसेस. सर, नाउ दिस इज योर प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. आई विल जस्ट ब्रीफ यू ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स. थैंक यू वेरी मच. मैं आज नए वेरिएंट्स जो हैं सार्स कोरोना वायरस 2, उसके बारे में ज़रा 2-3 चंद बातें बताऊंगा. नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट एन अश्योरेंस, वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इस इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी. तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है. सो देर इज़ नो एविडेंस ऑफ द करंट वैक्सीन्स विल फेल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19 ऑन द वेरिएंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम यूके और साउथ अफ्रीका. वैक्सीन्स क्या करते हैं, ज़्यादातर स्पाइक प्रोटीन जो है, जो वायरस के ऊपर है, उसके बारे में और बताऊँगा, उसको टारगेट करते हैं. और उस स्पाइक प्रोटीन में ये वेरियंट्स में चेंजेस हैं. तो इसको लेके लोग कहते हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं कि क्या वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम करेगी. लेकिन वैक्सीन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं. तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ का, वो काफ़ी है इनके खिलाफ काम करने के लिए. सो द चेंजेस इन द वेरियंट्स आर नॉट सफिशेंट टू मेक द वैक्सीन इनफेक्टिव. सो दिस इज़ द पॉजिटिव रीअश्योरेंस. Now, if you look at the surface of the SARS coronavirus, ये spike protein जो लाल में है उसमें देखें, उसमें इन variants UK और South Africa में बदलाव आए हैं. कैसे आए हैं, जैसे वायरस फैलती है दुनिया में, शुरू हुई वुहान हुबेई प्रोविंस चाइना से, सारी दुनिया में फैली, उससे वायरस में चेंजेस आते रहते हैं. ज़्यादातर चेंजेस वायरस को फ़र्क नहीं पड़ती ना हमारे इन्फेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ती. कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस में चेंजेस ऐसे आते हैं जिससे उसका इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन या और प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ सके. इन यूके और साउथ अफ्रीका के पॉपुलेशन में इन मामलों में कंसर्न आए हैं. किस तरह के कंसर्न है, नेक्स्ट स्लाइड. अभी वो फिगर पे अगर देखें राइट हैंड साइड पे नीचे, वो सार्स कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस है नीचे, और जो राइट हैंड साइड उसी में वो बबल्स जो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ स्पाइक प्रोटीन में उसके जीन में क्या बदलाव आए हैं वो दिखाई दे रहा है. उससे वो लाल ऊपर साइड पे जो चेंजेस आए हैं, वो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आएगी. अभी स्पाइक प्रोटीन में करीब 17 चेंजेस हैं, उसमें से 8 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. वो 8 जो चेंजेस है वो स्पाइक प्रोटीन्स को चेंज कर देते हैं. एक चेंज ऐसा है जो जब वायरस हमारे सेल्स के अंदर आती है, एक रिसेप्टर से अटैच करके अंदर जाती है. इस अटैचमेंट की एफिनिटी, वो जो लगान जो है वो ज़्यादा कर देती है, इसीलिए ट्रांसमिशन ज़्यादा हो सकती है. दूसरा चेंज ऐसा है जो पहले भी दिखाई दे
दूसरे वेरिएंट्स में दिखाई दे हैं कि उससे जो इन्फेक्शन है और ट्रांसमिशन है वो भी इंक्रीज होते हैं। और तीसरा एक ऐसा चेंज है जो सेल के अंदर जाने के लिए वायरस को वो प्रमोट करती है। साउथ अफ्रीका के वेरिएंट में ये जो पहली चेंज मैंने बताया जो अफिनिटी इंक्रीज करती है रिसेप्टर से वो भी दिखाई दिया है। तो इन कारणों से ये ज़्यादातर लेबोरेटरी में किए हुए कारण हैं, इससे इन वेरिएंट से ज़रा कंसर्न है। लेकिन सवाल ये उठती है अगर लेबोरेटरी में कंसर्न है इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड में जब देखते हैं उससे कंसर्न, उसके लिए फील्ड से डेटा आनी चेक करनी पड़ती है। वो यूके में हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड, और उससे क्लियर है कि ये यूके वेरिएंट जो है ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इट इज़ मोर ट्रांसमिसिबल। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फाउंडर इफेक्ट। यू माइट हैव अ वेरिएंट व्हिच इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड इफ दैट पॉपुलेशन मिक्सेस अ लॉट then that variant can grow, but that doesn't mean that the variant is causing the growth in the population. It may be the people are mixing more. Kya wo accident hai? Aisa nahi lagta. It is unlikely to be a mere founder effect. It is likely to be caused by the virus because of the reasons I gave you earlier and because of the nature of the dominance which has taken place. It has spread all over the area where it first started from. Ye graph agar dekhen, tab सितंबर अक्टूबर के केसेस के सैंपल्स जो चेक किए हैं वो बहुत कम है, वो येलो पार्ट, और अभी दिसंबर में देखें वो करीब 80% हो गए हैं ऑफ द टोटल नंबर। सो दिस इज स्प्रेडिंग वेरी रैपिडली एंड इट इज टेकिंग ओवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल अदर वेरिएंट्स एंड इट्स डोमिनेटिंग दैट। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड नेक्स्ट स्लाइड इन द लार्ज पॉजिटिविटी इन द यूके। सो द पॉजिटिविटी रेट ऑफ दिस positivity has gone up in the UK substantially, but the fraction of the positivity which is due to this variant has also gone up substantially. So these two are very important points of concern and watching. And this is very important globally because this increases transmission. There is no evidence so far that it increases any severity of the disease. But because it increases transmission, it will increase the number of people who are affected and therefore the number of severe diseased people. Therefore, we must remember that we must take extraordinary precautions to prevent these kinds of variants from dominating our population. Now, in that there are two components. What we should do as scientists, as government, as researchers, and then what we all should do as citizens. Pehle ye dekhte hain hum scientists kya kar rahe hain. Jaise health secretary saab ne bataya, एक इंडियन सार्स कोरोना वायरस टू जीनोमिक्स कंसोर्शियम इंसाकॉग शुरू किए गए हैं। इसमें इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सीएसआईआर वगैरह एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जहां भी प्रेवलेंस ज़्यादा हो, जैसे सेक्रेटरी ने बताया कौन से स्टेट्स में ज़्यादा प्रेवलेंस है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं खासतौर से अभी यूके से लेकिन और जगह से भी, उनका भी टेस्टिंग हो रही है। इसको स्केल करके हमें पता चलता है कि इस वेरिएंट्स का क्या आ रहे हैं और कितने इंटेंसिटी से आ रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए गिवन द वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ द वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट दीज काइंड्स ऑफ वेरियंट्स विच हैव अरिजन कैन ऑल्सो अराइज एल्सवेयर। So we are also not only sequencing our population who have been tested positive by choosing representative samples, but we will also test them, these samples in the laboratory to see whether infectivity is increased and do field studies to see whether transmission of any specific variants are increased. So this will protect us substantially and this is very important from the scientific perspective of what we're doing. So testing and sequencing of samples across the country from international travelers and from those who are being hospitalized. Now, as the health secretary said, there is an enormous decline in positivity, decline in death rates, decline in hospitalizations in the country. This is also the festive season. This is also the end of a long year. None of these should make us complacent. A vaccine is going to be available soon. That will be the exit visa from this for sure.
But that has to be rolled out steadily. It has to go to priority groups and has to reach the country. All of that will take time. We have to be patient. Meanwhile, we must ensure that we don't become lax, reduce transmission through physical distancing, follow all public health measures scrupulously, wear masks, follow hand washing, COVID appropriate behavior, infection control. As far as testing goes, make sure that you avail of all the test facilities. We will amplify testing substantially. We'll track and isolate and help health workers identify patients and deliver treatments. Cooperate also in the rollout of the vaccines. This is the cold season in North India, but all over the country, this is also a time where we should help each other and make sure that those who are in difficult situations because of the weather or for other reasons are not exposed and their health is looked after. So that's also a very important social purpose which we must do. So I'd like to thank you for this, and if there are any further points, over to the health secretary. Request Member Niti Ayog, sir, please. Dr. Bhargava, would you like to add? As has been said, that genetic mutations occur in these respiratory viruses, and the health secretary has said that these minor drifts may occur from time to time. But once several drifts occur, then they can become important, as has happened in the variant in the United Kingdom, which has higher transmissibility of about 60% or so. So that is a point of concern, although we are testing in India for those variants regularly. Now, the question arises, why should these variations occur? Now, these variations occur because of the immune pressure on the virus. Now, these immune pressure on the virus may be related to the environment, may be related to the host, may be related to your treatment, may be related to other modalities which cause this immune pressure on the virus. So it is important for our perspective also, from the scientific community perspective also, that we do not put too much immune pressure on the virus. Why? We have to maintain the judicious use of therapies which are going to benefit. If their benefit is not established, we should not use those therapies. Otherwise, they will put a tremendous immune pressure on the virus, and the virus will tend to mutate more. So therapies that are well established should be used, and which are not well established, their use has to be, very judicious use has to happen. So that is an important point to prevent the, and the point regarding the effectiveness of the vaccine has already been emphasized, and that remains, although much of the vaccines that are the front runners are targeting the S protein and also targeting the mRNA in there, but we find that they will continue to be effective. That is much of the data that is available, and we feel that we will be looking, and we have to be very careful to look for any immunity breakthrough that may happen by vaccination. So that is another important point. Immune pressure because of non-judicious use of therapies which are not established, number one. And number two is immunity breakthrough that may happen by the use of the vaccine. So we have to be careful and monitor that very critically. Thank you. Thank you. Those are 20 के COVID-19 के परिपेक्ष में ये हमारी प्रेस ब्रीफिंग लास्ट प्रेस ब्रीफिंग है एज पर शेड्यूल सो एज माय वेरी एस्टीम्ड कलीग्स हैव हाइलाइटेड देयर आर टू स्ट्रैंड्स ऑफ आर थॉट प्रोसेसेस ऑफ आर कंसर्न्स One is that we are consistently showing a decline in the number of cases, new cases, active cases, and declining number of deaths, very reassuring. And particularly it stands out because during this very period, several nations are facing a devastating situation. 40,000 cases in a country of 6 crore people. It's amazing.
So it's a very sobering moment for all of us. We are fortunate, but this is the result of the hard work and the participation of people of India. Sabne karke dikhaya, aur desh ne sab taraf se ab chahun aur se dikhai de raha hai ki sab state mein situation bilkul settle hoti ja rahi hai. Lekin sardi ka mausam hai, abhi bhi jahan tak hame data malum hai, bahut sari population susceptible hai. Aayega virus, pakad sakta hai. पास ही है कहीं. और उसके साथ साथ ये जो यूके का एक नया म्यूटेशन आया है जो कि कंटीजियसनेस दिखाता है क्लासिकल वायरस से ज़्यादा, एक कंसर्न हमारे सामने पेश करता है. इन अ वे इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऐसी म्यूटेशन हो सकती है, छोटी छोटी होती ही रहती हैं, लेकिन जब आया है तो क्लियरली एक डिस्टेबलाइज करता है हमारी तैयारी को, हमारे सिस्टम को, दुनिया में भी, अपने देश में भी. और आज जैसे प्रेस रिलीज में आपको बताया गया कि हम जो सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें 6 केसेस कम से कम दिख गए हैं और अभी और काम चल रहा है. सो दिस वेरिएंट हैज़ ट्रैवल्ड टू अदर कंट्रीज, सेवरल कंट्रीज, बट आल्सो टू इंडिया. एंड देयरफॉर दिस वेरिएंट, दिस पर्टिकुलर वायरस स्ट्रेन मे हैव इट्स ओन रन एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी careful, very careful. Please also remember that in a situation when the virus, a new virus or a new type of virus enters, it is easy to suppress that virus in the beginning. Because kam logon mein hoga, kam spread hai uska, phaila nahi hai, chain of transmission choti hai. Jab bahut zyada chain ho jati hai, multiple chains chal padti hai transmission ki, phir usko kabu karne ke liye bahut mehnat lagti hai. Humne dekha hai ye. तो जो आप सोबरिंग थॉट सेक्रेटरी सर ने कही, पीएसएस सर ने कही, डॉक्टर भार्गव ने कही, हमें प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनना है. जो बातें कही जा रही हैं वो यही है कि सावधानी से हटने का मतलब ही नहीं होता. और हम तीन तरह के रिस्पांस की आज बात कर सकते हैं. पहली रिस्पांस है जो साइंस की रिस्पांस है, विज्ञान की रिस्पांस है. हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, लेबॉरेटरीज हैं, और दुनिया में बेस्ट लेबॉरेटरीज हैं हमारे पास, उन्होंने क्या काम किया. तो आज हमने प्रस्तुत किया आपके कि एक पहले जैसे काम कर रहे थे वो एक नेटवर्क की तरह काम कर रहे थे, मिलजुल के कर रहे थे, लेकिन अब उसको बिल्कुल फॉर्मलाइज तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया गया है, बहुत जल्दी में दिया गया, बहुत तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिया गया. और एक कंसोर्शियम बनाया गया इंसाकॉग, जिसका एक्रोनिम रखा गया है कि 10 लेबॉरेटरीज में जो बेस्ट लेबॉरेटरीज हैं, दुनिया की बेस्ट लेबॉरेटरीज से कंपेयर करती हैं, वहाँ पे हम मिलके काम करेंगे. यहाँ के वो जहाँ लोकेटेड हैं वहाँ के एरिया को करेंगे कवर, और दूर के एरियाज को भी बांट लिया गया है ताकि कहीं से भी जब जीन सिक्वेंसिंग करनी है तो वो पहुँचाई जा सके तेज़ी से और रिपोर्टिंग हो. और इसके SOP को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया. और ये कहा गया है कि जो ट्रैवलर्स आए हैं अभी वाले, पुराने वाले, वो तो करेंगे ही कहे, पर डॉक्टर विजय राघवन सर ने कहा अभी कि जो आगे भी जो भी पॉजिटिव आएंगे, शुरुआत में हम कम से कम 5%, 1 out of 20 ऑफ दो स्पेसिमेंस विल बी टेस्टेड फॉर यूके वेरिएंट. तो ये सैम्पलिंग से नज़र रहेगी. और एक्चुअली मुझे कहना चाहिए कि सिर्फ यूके वेरिएंट ही नहीं, कोई और भी वेरिएंट जो दिखाई दे, क्योंकि ये भी कोई रूल आउट नहीं करता कि ऐसी कोई नई म्यूटेशन जो ज़्यादा नुकसानदायक हो और या भले वाले भी हो, कहीं भी हो सकती है, हमारे देश में भी हो सकती है. तो जैसे पहले हम वॉच कर रहे थे कि ये म्यूटेशंस हैं, ड्रिफ्ट हो रहा है, बदल रहा है स्वभाव इसका, उसको देख रहे थे, अब उसमें तेज़ गति लाई गई है विद अ स्पेशल फोकस ऑन द यूके वन वेरिएंट. तो एक साइंस की रिस्पॉन्स है. इसके अलावा ICMR ने फैसला किया है कि जिन पेशेंट्स में ये देखा जाएगा उसमें डिजीज़ की फॉर्म में कोई कमी है, कम सीरियस है, ज़्यादा सीरियस है, ये एस्पेक्ट देखा जाएगा. अभी तक हमें जहाँ तक लगता है कि सीरियसनेस अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ फैलती है तेज़ी से. लेकिन ये भी लीजिए कि बहुत कुछ फैल गया तो ICUs भरेंगे तो नुकसान होगा, तो उसमें कोई अच्छी बात ये नहीं है कि हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं. तो हम अपने तरीके से भी इसके क्लिनिकल कोरिलेट्स को देखेंगे.
हम अपने लेबोरेटरीज में बियॉन्ड जीन सिक्वेंसिंग भी उसके स्वभाव को जानने के लिए, उसकी इम्यूनोलॉजी को समझने के लिए जो और भी साइंटिफिक स्टेप्स होंगे वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किए जाएंगे, और हमारे पास कैपेसिटी है इसको करने की। बहुत सारे देशों में ये कैपेसिटी दूर दूर तक नहीं होती, तो हमें गर्व है कि हमारी लेबोरेटरीज हैव रिजन टू द ओकेजन एंड आर रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स इज द पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें कोई कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी टेस्टिंग उसी लेवल पे चलेगी, उसकी रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ये सब उसी तेज़ गति से, टेस्ट ट्रेस ट्रैक की जो हमारी पद्धति रही है उसमें कोई भी ढिलाई नहीं होगी। जहाँ क्लस्टर होगा अब भी वहाँ कंटेनमेंट जोन बनेंगे, वहाँ हाउस टू हाउस सर्च होगी, जो भी पॉजिटिव केस होगा वो आइसोलेट होगा, उसके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो क्वारंटाइन होंगे, अलग होंगे। तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को हमने दबाना है, और आज कम नंबर है, हम ज़्यादा अच्छी तरह से दबा सकते हैं, इसमें कोई भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये इंस्ट्रक्शंस सब जगह पहुँचाई गई हैं, इसको हमें याद करना है। तीसरी रिस्पॉन्स है जो हम सब की रिस्पॉन्स है, पब्लिक की रिस्पॉन्स, साइंस रिस्पॉन्स, पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स बाय द हेल्थ सिस्टम एंड द पेंडेमिक कंट्रोल सिस्टम, एंड थर्डली रिस्पॉन्स बाय द पीपल, पब्लिक रिस्पॉन्स। उसमें भी बहुत ज़रूरत है कि हम अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, जो हमारे स्वभाव हैं, जिनकी वजह से इतना फ़र्क पड़ा है, मास्क पहनने की बात है, हाथ धोने की बात है, दूरी बनाए रखने की बात है, और जैसे हम अभी तक बातचीत करते रहते हैं हर बार कि अपने एल्डरली को बचाना है, हमने अभी देखा कि मोर्टेलिटी जो है वो बुज़ुर्गों में ज़्यादा होती है, उनको बचाना है, आयुष के प्रोडक्ट्स जो इम्यूनिटी देते हैं उनको अपनाना है, आरोग्य सेतु को अपनाना है। अगर आप में सिम्टम हैं तो आपने टेस्ट कराना है, ये यूके का वेरिएंट भी हो सकता है, बच के रहिए। और अगर आप कॉन्टैक्ट हैं किसी पॉजिटिव केस के तो आपने घर बैठना है जब तक ये साफ़ नहीं हो जाता कि आप सेफ़ हो। तो ये जो हमारे जो जिम्मेवारी है इसमें किसी भी तरह की कमी का कोई भी गुंजाइश नहीं। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये खास इसलिए भी है कि इस मौसम की वजह से और न्यू ईयर आने की वजह से और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और यूके के वेरिएंट ने जो वरी पैदा करी है अगले कुछ दिनों के लिए और भी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने जो अभी इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं अनलॉक की आगे के लिए, सब कुछ चीज़ों को दोहराया गया है और याद दिलाया गया है सारे प्रदेशों को और यूनियन टेरिटरीज़ को, और उसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर पैंडेमिक को रोकने के लिए और इस खास सिचुएशन में न्यू ईयर ईव की वजह से, फेस्टिविटीज़ की वजह से, अगर वो ज़रूरत समझें तो रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा सकते हैं और नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला लेने को ले सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ज़रूरी है कि भीड़ ना हो, पार्टियां ज़्यादा नहीं हो, घर में ही हो जो हो, वायरस फैलता ही पार्टियों में है, खासकर से सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो जाएंगे, ये सुपर स्प्रेडिंग वायरस का म्यूटेशन घूम रहा है देश में कहीं ना कहीं, तो इसमें एक अलग तरीके से हम अपने आप को सबको याद दिला रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिवली होम मिनिस्ट्री ने यह कन्वे किया है कि प्रदेशों की सरकार, यूनियन टेरिटरीज की सरकारें इसके बारे में सजग रहें कि इसके लिए ये स्टेप अगर ज़रूरी हो, शहरों में खासकर नाइट कर्फ्यू का प्रावधान उनके ऊपर छोड़ा गया है और उन लोकल सिचुएशन के हिसाब से वो इसका फैसला ले रहे हैं। अंत में आज हम व्हेन वी लुक बैक, हाँ एक मुसीबत आई, लेकिन जैसे ओवरऑल पिक्चर दिख रही है हम सबको, हमारे देश ने काफ़ी 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 हद तक इस महामारी से जैसे जूझा है वो अपने आप में एक उदाहरण है, सेटिस्फेक्शन है। नुकसान हुआ है, डेथ्स हुई हैं 1.5 लाख के करीब, जस्ट बिलो 1.5 लाख केसेस भी हुए हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे रहे हैं बाकियों से। और हमारे देश में अब जो उम्मीद देता है हमारा साइंस, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा इंडस्ट्री, उसने जो डायग्नोस्टिक किट्स बनाए, रिस्पॉन्ड किया, पीपीई किट्स बनाए, वेंटिलेटर्स बनाए, हमें प्रोटोकॉल्स दिए, दवाइयों को प्रस्तुत किया, वो देखते देखते अब उस पॉइंट पे हैं कि हम वैक्सीन, कुछ ही दिनों में हम वैक्सीन की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो एक
पॉजिटिव भावना से आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिमिज्म से आगे बढ़ते हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे वाले दिन आज के दिन की बजाय और भी अच्छे होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑनलाइन क्वेश्चन, देयर आर मोर देन वन वेरिएंट ऑफ कोविड-19 स्ट्रेन इन यूके, कैन यू कन्फर्म इफ द म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 डिटेक्टेड फ्रॉम दीज 6 पीपल इज द मोस्ट पॉपुलर वन कॉल्ड B.1.1.7? You see, there is nothing popular or unpopular about virus strains, but catching the spirit of the question, as we told you that all the inbound passengers from UK were identified, the passenger manifests or lists were shared with the states and UTs, they were advised to take samples. Most of them who came from 21st of November to the midnight of, from 21st of December to the midnight of 23rd of December were subjected to a RT-PCR test at the airport itself. And those who came 28 days prior, there are people who ask the question, why 28 days? Because the incubation period of the virus is 14 days, so to be on the safer side, we took twice that number. So 28 days, that brings us to 25th of November to 23rd of December, midnight. So roughly 30,000 odd people, we have shared this information with you, have been identified, lists shared with the state, samples taken. Positive samples have been then sent to this consortium for genome sequencing, and 6 people so far have been found to possess the UK variant virus. So that answers the question which has been asked, but this is an ongoing process. Ongoing because of 2 reasons. One, that all positive UK returnees will be subject to RT-PCR test, and then positive samples will be subject to genome sequencing. And second reason, as has been pointed out by Principal Scientific Advisor and Member Neeti, that even others who are positive in the general population of the country, 5% of that would also be subjected to genome sequencing. So that should answer any potential question about passengers transiting into India from countries like Belgium, Italy, France, Germany, so on and so forth. 116. Ritu Parna from CNBC. The top 4 of the health bureaucrats, DGIC, Principal Scientific Advisor, Member Health, and Secretary Health, all of them have talked about the concerns regarding the spike in positivity in UK. So my question to you is then there a case for extending the travel restriction of inbound UK passengers, and for how long? Can I make a preliminary response, and then if you would want to supplement? You see, the Union Ministry of Health and Family Welfare, as well as the Union Ministry of Civil Aviation, are guided on these matters by men of science, and all the eminent men of science are here, present on the dais. You would also appreciate that this is not the appropriate forum to share whether we would be, extending the ban or curtailing it. However, as was done last time, there are institutional mechanisms like the National Task Force on COVID-19, which is jointly chaired by DGICMR and Member Neeti, and there is also a task force, scientific task force on COVID vaccine and R&D, that is chaired by the Principal Scientific Advisor. So we assume that they would be meeting shortly, and based on their inputs, the government will take a decision. 21. My question is to Principal Scientific Advisor. Sir, WHO said yesterday that they are conducting the studies to find out how the new strain replicates and how antibodies interact, and then finally try to understand about the vaccine efficacy. Now, since they are still growing the virus isolates in the lab, WHO said we will actually have to wait for giving any definitive statement on any of these parameters, including vaccine efficacy. You said, sir, there would be no impact. So how do we reconcile the two?
The WHO statements refer to a composite of different components about the behavior of the variants under laboratory conditions and about the immune response under laboratory conditions and vaccine efficacy and effectiveness, which are field parameters. We know for sure that the range of variants which are there in the UK variant and in the South Africa variant do not compromise something called a polyclonal antibody response. And all vaccine response currently are polyclonal antibody response. They target multiple parts of the protein, most of which are not affected by these changes. So there is no reason to believe that the vaccines will not work. What the WHO test... तो उसके दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी जिम्मेदार होगी या फिर सरकार जिम्मेदार होगी? और जो पूर्व में वैक्सीन चली आ रही है उस पर क्या व्यवस्था है, क्योंकि देश में कोई कानून नहीं है कंपनसेटरी इशू को लेकर के. रेगुलेटरी तो है लेकिन कंपनसेटरी को लेकर के नहीं है. दुष्प्रभाव का निर्णय लेने के लिए ये आवश्यक होता है कि कॉजलिटी को स्टैब्लिश किया जाए, यानी हमारे पास इस तरह के तथ्य या एविडेंस हों जो हमें इस निष्कर्ष पर ले जाएं कि वैक्सीन देने और एडवर्स इवेंट होने के बीच सीधा संबंध था. ये सीधा संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, इसके लिए देश में प्रारंभ से ही व्यवस्था रही है और ये व्यवस्था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में स्थापित हुई थी. तो कॉजैलिटी स्टैब्लिश करने की व्यवस्था स्पष्ट है. जैसा कि आपने कहा, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में जब किसी भी वैक्सीन का फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसमें कंपनसेशन देने की जिम्मेवारी किसकी है और किसकी नहीं, इस पर भी स्पष्ट कानून है. लास्ट क्वेश्चन 15. सर, वैक्सीन कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो बताया जा रहा है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इसमें शामिल होंगे, तो कैसे ये डिसाइड होगा कि जो उनको कोमॉर्बिडिटी है, कैसे वो डिसाइड करेंगे? क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? उनको कई सारी बीमारियां हैं, और कब से रजिस्टर कर पाएंगे और कहां कर पाएंगे? अगर किसी व्यक्ति को वो कोमॉर्बिडिटी है, डिज़ीज़ है, क्रॉनिक डिज़ीज़ है, सीरियस डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से कोविड 19 बीमारी होने के ऊपर मॉर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाता है, इसको एक क्राइटेरिया बनाया गया है. और दूसरा जो उम्र वाला क्राइटेरिया है, जिसमें कि सभी शामिल हैं, कोमॉर्बिडिटी और नो कोमॉर्बिडिटी, उससे अलग करके इसको एक्सप्रेस किया गया है एज अ प्रायोरिटी. दैट इज़ द बैकग्राउंड. नाउ द इशू इज़ हाउ डू वी एसर्टेन. वेरी राइट पॉइंट. इट इज़ टू बी डन सिस्टमैटिकली, एंड ऑन दिस कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड विच इज़ एक्टिवली वर्किंग, विच हैज़ समथिंग लाइक 12 एक्सपर्ट्स और मे बी मोर, belonging to various specialties including cancer, kidney, lung, heart, etc. And we are expecting their report very soon, in the next few days. They will also explain how the ascertainment has to be done. What is the basis of giving that particular, shall we say, certificate that, look, you are in the group where a priority vaccination would be assigned to you. Remember, they are also been asked that keep in mind the severity of disease. A mild hypertension, which is prevalent in 30% individuals, adults, may or may not be the case for this entitlement, but a severe hypertension would be. So this is a technical area. This is in the domain of clinical sciences and epidemiological sciences, and this is the kind of group that is working on it, and we will come forth with their recommendations and the view of the NECVAC after the report is made available. But this will be available well in time, and we are on track for this. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, friends.